ये जो वात और सेट्रिक का पेन जो डेवलप होती है बॉडी में, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? वात पेन स्टार्ट होती है पूरी बॉडी बैक साइड से और नीचे उतर जाती है, इसका निवारण कारण क्या है? फर्स्ट हम जानना चाहते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसका हमें सुझाव दें। अभी जो वात हो या आपने जो कहा है वो, ये सबका कारण एक ही है। मैंने पहले ही कहा वात पित्त कफ ये त्रिदोष हो गए, प्रॉब्लम हो गया तो शरीर में 80% तकलीफ गैस और एसिड की वजह से है। तो वात का कारण क्या है? वात तीन प्रकार के है, पेशीवात, आमवात, संधिवात, इसमें आपके प्रॉब्लम आ गए। तो ये क्यों हो गया, वात क्यों हो गया? गैस की वजह से। गैस क्यों आया? गोबर की वजह से। गोबर कहाँ से आया? जो हमने पका हुआ मतलब गैस के ऊपर का खाया, उसके वजह से गैस निर्माण हुआ। ये गैस जब तक एनिमा से निकलता नहीं है, वमन से एसिड निकलता नहीं है, तब आप कितनी भी गोलियां खाओ, दवा खाओ, आपकी बीमारी नहीं जाएगी। हमारे पास साइटिका के भी बहुत सारे पेशेंट आके गए हैं, उनकी दर्द जाता नहीं था। मेरे पास ऐसी एक ताई जी आके गई, उन्होंने 19 प्रकार के डॉक्टर्स किए, इतनी सारी फाइल्स लेके आए थे, मैंने नहीं देखी, हम नहीं देखते, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हमने इतना ही कहा हम एक साधक है, ये रास्ते से चलो। उन्होंने कहा था कि मैं अभी ऐसा ही रहूंगी, मेरा दर्द हो रहा है, ये सब दुख रहा है, वो दुख रहा है, यहां से लेके यहां तक बहुत परेशान थी, तो अभी हम ऐसा ही जिंदा रहे। पर जब नंबर मिला आ गए, उनको कहा ये रास्ते से चलो, 15 दिन के बाद फोन करो क्या होता है। तो उन्होंने मुझे 8वें दिन फोन किया कि मैं जो नहीं कर सकती थी वो 8वें दिन में करने चालू हो गई। कहा गया ये दर्द जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो किसने किया? ये हमने नहीं किया, ये भगवान ने किया। भगवान और आप, ये दोनों आपकी बीमारी निकालने वाले हैं। आपका गैस और वात और ये जो एसिड्स के ये प्रॉब्लम्स है ये सब निकल जाएंगे। मैं कहता हूं जवाब ढूंढने के पीछे मत पड़ो। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि रोटी कैसी बनानी है मुझे सिखाओ, आप कहेंगे आटा लो, पानी डालो, उसमें ऐसा करो ऐसा करो, जवाब मिल गया। पर मैं करने जाऊंगा तो कभी पानी ज्यादा होगा या आटा ज्यादा होगा या कुछ भी हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनेगी। तो जवाब से नहीं होता, करने से होता है। आप ये सिस्टम चालू करो, बाद में आपको जवाब खुद को मिल जाएंगे। आपके जवाब आप ही के पास है, आपका निरामय स्वास्थ्य आप ही के पास है। बाकी कौन सी बीमारी किसके वजह से आती है, इसके लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, और बीमारी निकालनी है आपको तो इसके लिए ये साधना है। ओके, अगर तो ड्यूटी पे जाने वाले हैं उनको अगर जूस नहीं ले जा सकते तो वो फ्रूट खा सकते हैं, पर घर में अगर रहेंगे तो जूस ही पीना है, क्योंकि खाने के बाद जठराग्नि उसको अगर जूस ही निकल रहा है तो उसको काम क्यों बढ़ाते हैं। घर में गृहिणी है, उसको अगर एक काम के ऊपर दूसरा काम तीसरा काम लाते ही देंगे तो वो भी एक चिड़ मतलब उसका भी क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा कि भाई पहला एक काम तो खत्म होने दो। उसी प्रकार जठराग्नि को आपको क्या करना है, पुराना निकालने को वक्त देना है। अगर पुराना निकालने के लिए वक्त देना है तो खाते क्यों हो, पियो, जितना पियोगे उतना जल्दी हजम हो जाएगा, जठराग्नि जीवनी शक्ति पुराना मन निकालेगी। अगर खाते हो तो जीवनी शक्ति को दो काम करने पड़ेंगे, अभी का भी निकालना है पुराना भी निकालना है। तो काम चालू रास्ता बंद, आप देखते हैं कि नहीं काम चालू रास्ते का, तो आप उसको बोलते नहीं काम भी चालू रखो मेरी गाड़ी भी चलने दो, तो रास्ते का काम नहीं होगा। अभी क्या करना है, काम चालू है अपना तो रास्ता बंद कर दो, खाना बंद कर दो, पीना चालू रखो, जितना पियोगे उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। सभी बीमारियों का हल भगवान के ही पास है, हम कोई नहीं है, हम सिर्फ आपको जो हमें अनुभव हुआ वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं। उस रास्ते पे चल के देखो, अनुभव करके देखो, आप खुद डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर्स के डॉक्टर बन जाएंगे। मेरे पास एमडी भी आते हैं, सर्जन भी आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं, मैं आपका आपको उनका नंबर दे सकता हूँ। ये कैसे हो गया, ये साधना की ताकत है, हम कोई नहीं है। तो ये आप करो, आपके भी पास अनुभव करने के बाद लोग आएंगे। ओके, जीरा हल्दी ये नेचुरल है तो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा डालो जो नेचुरल आपको समझ में आ रहा है, प्रोसेस किया हुआ कुछ भी नहीं। बाहर के जूस मत पीना, क्योंकि जूस 14 घंटे के बाद उसमें सिर्फ पानी रहता है, हरा नीला पीला मत पीना। घर में जो बनाओगे अभी बनाओ, 2-4-5 घंटे के अंदर पी जाओ। बाहर का पीना है तो गन्ने का बहुत सारा पियो, शुगर नहीं बढ़ेगी, पर बाकी जूस मत पियो, पीना है तो शुगर मत डालो। एक मिनट, मुझे लगता है बाहर स्टॉल पर यह पुस्तिका अवेलेबल है, शंका समाधान, और इसके साथ ही एक रेसिपी बुक भी दिया गया है, तो
तो वो आप ले सकते हैं, जिससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा भी स्टॉल वहां पर लगाया गया है, जहां पर ये एनिमा पॉट और ये जाली और इसका एक सेट ही बनाया उन्होंने, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे कि वो दोनों अगर चीज ले लेते हैं तो यहाँ पर और भी कई सवाल जो मन में होंगे वो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है 9:35 तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, एक मिनट सिर्फ बैठिए। मैं सिर्फ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अगले रविवार से 4 सेशंस यहाँ पर होने वाले हैं इस ग्रेस संकीर्तन प्रभु